हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी टू स्टिच। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा कटवर्क नेक डिज़ाइन। तो इसके लिए हमें जो नेक की मेजरमेंट करनी है, नेक हमें डीप रखनी है। यहाँ पर तकरीबन 7 इंच नॉर्मल 6 इंच होती है, लेकिन यहाँ हमें 7 इंच लेनी है। नॉर्मल जो लेंथ की नेक की विड्थ होती है वो 3 इंच होती है, यहाँ हमें लेकिन उसकी विड्थ 4 इंच लेनी है, क्योंकि हमें 1 इंच जो है कटवर्क का भी मार्जिन जो है इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि कटवर्क बनने के बाद गला 1 इंच जो है वो कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमें इसका मार्जिन रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। नेक की जो है कटवर्क की पट्टी, आप जितनी भी लेंथ रखना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर आपने इसी तरह से जो है सेम कटवर्क जो है बड़े या छोटे अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लेकिन नेक में छोटे साइज़ के कटवर्क ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो आप इसी तरह से छोटे साइज़ के कटवर्क बना लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दें। इस तरह से इसको पिनअप कर लेंगे। बुकरम के ये डबल मैंने लेयर लगाई हुई है, तो इसलिए इसको पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद हमने जो है कटवर्क को इस तरह से कट कर लेना है, और इस तरह से तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए कटवर्क की बुकरम छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है। अब हमें इसको पेस्ट करना है फैब्रिक के ऊपर, तो इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे और हल्का सा इसको फोल्ड करते हुए जो है एक रफ सिलाई लगाकर नीट कर लेंगे। कटवर्क डिज़ाइन में थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह से हमने इसको रेडी कर लेना है फोल्ड करने के बाद। अब हमें इसको शर्ट के फ्रंट के सेंटर में जो है आयरन की मदद से आपने मार्किंग कर लेनी है, और उसके बाद आपने इसको पिन के साथ जो है एडजस्ट कर लेना है अच्छे से। इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है पिन लगाकर। और अब हमें कटवर्क के बिल्कुल साथ साथ जो है अपनी सिलाई मशीन को इस तरह से टर्न करते हुए कपड़े को आपने कटवर्क के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। ये सारे कटवर्क की सिलाई लगाने के बाद जो है हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कट कर देना है। वीडियो स्किप करके देखना बहुत आसान होता है, लेकिन जो बना रहा होता है उसको पता होता है उस पर कितनी ज़्यादा मेहनत हुई है, कितनी उसने जो है वो दिल से वो वीडियो बनाई है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शर्ट के फैब्रिक में जो भी कोई भी कंट्रास्ट कपड़ा है जो आपको लगता है कि उस पर ज़रा सूट करेगा, तो आपने उस वो वाला कलर का फैब्रिक ले लेना है। यहाँ पे मैं इसको डबल पट्टी है इसको मैंने इस तरह से सिलाई लगाकर सीधा कर लूँगी, ताकि इसके धागे ने निकले और बिल्कुल नीट ऊपर से भी और नीचे से भी बिल्कुल नीट लुक आए। तो इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से इसका जो है कॉर्नर अच्छे से बना लेंगे हम। अब हमें इसकी लेंथ उतनी ही लेनी है जितनी हमारी कटवर्क की पट्टी है। गले जहाँ से हमारा नेक स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे से हमें इसको पिनअप करना स्टार्ट करना है यहाँ से। इस तरह से आप जो है दोनों साइड पे पिने लगा कर इसको एडजस्ट कर लें। जी तो फ्रेंड्स, ये एडजस्ट हो गया। अब हमें इसके किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे पर सिलाई नहीं लगानी, कटवर्क से थोड़ा सा फासले पे हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। जी तो फ्रेंड्स, सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे पर्ल अटैच करेंगे, पिने जो है साइड पे कर देते हैं। कोई भी जो भी आपका कलर जो है अच्छे से मैच हो रहा है, यहाँ पे मैं ग्रे कलर के पर्ल यूज़ कर रही हूँ। नीचे से इस तरह से हमने नीडल में तकरीबन जो है डबल धागा डाला है। इस तरह से दो दो पर्ल जो है मैं अटैच कर लूँगी। अगर बड़े साइज़ के बीड्स हैं तो आप वो सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे बटन भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सारे कटवर्क में इसी तरह से सेम जो है पर्ल अटैच कर लेंगे।
जी तो व्यूवर्स, ये इसकी फुल लुक आई है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।